बहुत बहुत मायने रखता है क्योंकि दिस इज़ अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी एंड आई एम राइट नाउ फीलिंग 10 feet taller. So I'm on cloud 9 right now and all thanks to it's only gratitude that I can express to God, my husband Joy, my parents and most importantly to Archana ma'am for giving this opportunity. Thank you. Ki ye bahut beautiful hai. It is towards women empowerment and it's beautiful. I got to learn a lot. It benefited me so much and this is just the beginning and I'm going to take this further. I have my institute, so I'm gonna utilize this where my future students, the future generation, they get the maximum out of it. मेरा नाम मिमानी है, मैं मुंबई से ही हूँ और ये जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी बिकॉज ये ड्रीम मेरी मम्मा का था, मेरा नहीं था. मुझे बचपन से मॉडल बनना था और आज ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप है और यहाँ पे आने के बाद इनको कोई हाइट, एज कुछ नहीं चाहिए. इनको बस ये चाहिए कि आपके अंदर की सुंदरता बाहर आए. दैट्स इट. सीजन 3 में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए. मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही एक शानदार जर्नी रहा है. मैं एक्चुअली ह्यूस्टन टेक्सस से हूँ, वहाँ से मैं ये पैजेंट में भाग लेने के लिए आई हूँ और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ से मेरी मुलाकात हुई, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, बहुत सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये इससे और खुशी हो रही है कि ये क्राउन के साथ ही मैं वापस टेक्सस जाऊँगी और वहाँ पे फ्लॉन्च करूँगी. 30 साल से हूँ मैं टेक्सस में. आई एम अ टमिलियन बट बॉर्न एंड रेस्ड इन न्यू डेली एंड आई एम एक्चुअली अ सिंगर. यू नो आई एम अ परफॉर्मर. आई वर्क विद शंकर जी, हरिहरन जी एंड आई जस्ट लव बीइंग ऑन स्टेज. Yeah, so this is what I do. Actually, I entertain a lot of people all the time. I'm a performer. So and it's very exciting. Yeah, it's very exciting. और मेरे को ये भी लगा जब मैंने भारत छोड़ा ना 30 साल के पहले, मेरे को लगा कि एक कोई तो मेरा सपना रहा जो अधूरा था, तो 30 साल आज वो पूरा हो गया right here, right this minute. So बहुत ही अच्छा लग रहा है. Thank you. मेरा नाम पूर्वी गड़ा है और क्या फीलिंग्स बताऊँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई वर्ड में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पा सकती हूँ. इट्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम फीलिंग ऑन द 9th क्लाउड राइट नाउ, होल्डिंग दिस क्राउन ऑन माई हेड एंड होल्डिंग दिस ट्रॉफी इन माई हैंड. इट्स लाइक एन इमेंस ऑनर दैट आई एम योर राइट. माई नेम इज़ देवांगना चौहान एंड आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड. I feel really great because for the first ever time मैंने रैंप वॉक किया था अपनी लाइफ में. आई एम अ रेडियो जॉकी बाय प्रोफेशन, तो मैंने कभी सोचा नहीं था दैट आई एल एवर बी द फेस ऑन द स्टेज. आई हैव ऑलवेज बीन इन टू होस्टिंग बट ये मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया. एंड स्पेशली इंडिया ब्रेनी ब्यूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई एज, हाइट, वेट ये कुछ भी मैटर नहीं करता. सो इसी चीज़ ने मुझे बहुत अपील किया था बिकॉज कभी भी हमारे दिल में हमेशा एक इच्छा होती है कि टू बी ऑन द रैंप, टू बी द क्वीन एंड द दीवा. एंड इन ट्रेनिंग सेशंस ने बहुत बहुत हेल्प आउट किया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई शुड टेक दिस अहेड. इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. आई रियली फील बेटर. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई शो. और अब मेरे शो को स्टार्ट करने का तरीका कुछ डिफरेंट होने वाला है. 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 पर सुप्रभात, देवांगना आपके साथ. एक्चुअली देवांगना नहीं, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी फर्स्ट रनर अप देवांगना आपके साथ. इवेंट कम्प्लीट होने का ऑफकोर्स बहुत रिलीफ लग रहा है एंड इट वॉज़ अ सुपर सुपर सक्सेसफुल इवेंट एंड थैंक्स टू ऑल माई मीडिया टीम, स्पेशली हिमांशु जी और मेरे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स. ज्यूरी पैनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मेरे फाइनलिस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड जैसे तैसे करके यू नो मैनेज कर लिया. अगर जहाँ हार्ड वर्क है इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर उसके दिल में चाहत है ये अचीव करने का तो वो कर सकता है. और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी वही प्लेटफॉर्म है जहाँ एज, वेट, हाइट कोई चीज़ का बैरियर नहीं है. हम सारे केज को तोड़कर बाहर निकलते हैं और सारी चीज़ों को पॉसिबल करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. वेल, मैं ऑलरेडी इतने एनजीओ से जुड़ी हूँ और मेरा खुद का भी एक एनजीओ है, फ्लोरियन फाउंडेशन. मैंने हमेशा, हम बात करते वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन अपलिफ्टमेंट की, बट वो बातें करने से नहीं होता है. एंड एक रैम पे वाई डज अ प्लास्टिक मॉडल शुड वॉक लाइक 32, 34, 32 फिगर.
वाई नॉट एनी वन कैन वॉक द रैंप, लाइक जो एक घर पे खाना बनाते हो या ऑफिस में काम करते हो या वो स्टूडेंट, एनी वन कैन वॉक द रैंप, क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट और हिडन पोटेंशियल होता है. उनके उनके कलर पे या उनके बॉडी पे जज करके हम अगर कोई भी चीज़ का जजमेंट दे तो वो बहुत ही रॉन्ग है. मैंने उसके लिए इतना ही आई एम कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई विनर्स आर सुपर सुपर टैलेंटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट विद दैम वी विल कम अप विद अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. दे आर, यू नो, दे डू वॉन्ट टू परस्यू दैट एंड इफ दे वॉन्ट टू गो इंटरनेशनली वी वुड डेफिनेटली सपोर्ट दैम टू डू. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. और सबसे पहले अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना ये सेकेंड सीजन फिनिश किया, बहुत अच्छे से किया. और कोविड के टाइम पे थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है चीज़ों के साथ, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट आई एम रियली हैप्पी कि आई गेट टू जज अमेजिंग पीपल और काफ़ी अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ से आए थे लोग और उनको जज करना बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ओरिजिनल एंड ट्रू विनर्स वॉन दिस कॉम्पिटिशन. थैंक यू. बहुत ही अच्छा था. इट वॉज वंडरफुल. द आफ्टरनून, द इवनिंग एंड द नाइट इज येट टू फ्लो. And it's flowing. And India Brainy Beauty, it's a great concept. And Archana Jain, the young entrepreneur, has done it very well. Rabia Patel, Simran Ahuja, the anchor did very, very well. It was fun, entertaining, enlightening, and of course, beautiful. पैंडमिक में वैसे भी लोग बहुत टाइम से बोर हो गए थे. दे वॉन्टेड सम ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू. एंड सबका पैशन तो होता ही है, पर्पज़ होता है लाइफ में जीने का. तो पर्पज़ को अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करो, और पर्पज़ का मतलब होता है ब्रेन्स को यूज़ करो. खुदा ने ब्यूटी सबको दी है. ब्यूटी इसलिए दी है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही सेवा के लिए किया जाए, सही घर वालों की खिदमत के लिए किया जाए, समाज के लिए किया जाए. तो समाज में अगर हमारे ही एक ब्यूटी पैजेंट के थ्रू अगर ये देश में और अपने एरिया में, एरिया से लेके समाज से ग्लोबल लेके अगर कोई पर्पज़ को आगे बढ़ाता है और वो सेवा को बहुत बहुत दूर तक लेके जाता है, तो हमारा ये मकसद कामयाब हो जाता है. इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 2 इसीलिए कामयाब हो गया है. Thank you. Experience really good. The contestants were a total surprise package. Yeah. Because we didn't realize that a person come flying down from UK, a mother of two also was there, a lady who was 50 plus was also there. So it was not a handicapped person was also there. So everybody was there, you know. It was more about the brain. It was more not with the face, not with the skin. It was all about the brains. Thank you.